सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता, वो आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। और आप अगर नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो आप नवरात्रि के उपवास में भी बना सकते हैं, नवरात्रियों में भी बना सकते हैं। तो और बिल्कुल सिंपल बनेगा ये वाला जो नाश्ता हम बनाएंगे, बहुत ही हेल्दी होगा और बहुत ही स्वादिष्ट भी होगा और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया जाएगा। तो बनाने के लिए मैंने ये लिया है साबूदाना मोटे वाले, मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगोए थे, अच्छे से फूल चुका है। और ये मैंने जो बारीक वाला साबूदाना आता है वो वाला भी लिया है, इसको भी मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगोया था, ये भी अच्छे से फूल चुका है। और ये मैंने लिया है धनिया कटा हुआ, ये मैंने काली मिर्च ली है और ये हरी मिर्च है। ये जैसे आप नवरात्रियों में सागार के लिए आप उपवास के लिए बना रहे हो तो उसके लिए मैंने वही नमक लिया है जो सागार में बनाते हैं फास्ट में, वो नमक डालते हैं वही वाला नमक है। तो आप अगर वैसे बना रहे हो खाने के लिए तो आप वैसा वाली सामान भी डाल सकते हैं, वैसा वाला नमक भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैंने साबूदाना भिगोया था दोनों को हम ग्राइंडर में पीसेंगे। पीस लिया है इसको मैंने, बारीक पीसा है, ज़्यादा मोटा नहीं रखा है। अब ये मैंने आधा गिलास पानी लिया है, ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। ये आप नाश्ते में भी बना सकते हैं और आप फास्ट कर रखते हैं नवरात्रियों में या वैसे कभी रखते हैं तो वैसे भी आप बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी भी होता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। और बिल्कुल कम ऑयल का बनेगा ये वाला नाश्ता, तो आप कभी भी बना सकते हैं। इसमें और हम पानी डालेंगे, आधा गिलास पानी का लिया था, मैंने आधा गिलास इसमें पानी डाल दिया है। इस पेस्ट को हम मीडियम साइज का रखेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखेंगे। इस पेस्ट को हमें इस साइज का रखना है, ये ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है तो ज़्यादा पतला भी नहीं है। इसमें हम मिर्ची डालते हैं कटी हुई और ये मैंने 20 से 25 काली मिर्ची पीसी हुई है। इसमें हम हरी मिर्ची डाल रहे हैं तो ये वाली मिर्ची हम थोड़ी कम डालेंगे, ये ज़्यादा तीखा हो सकता है। और ये जो मैंने धनिया काट रखा था वो भी डालते हैं। और ये मैंने सागर वाला नमक लिया है, अगर आप वैसे बना के खा रहे हैं तो आप वैसा वाला नमक भी यूज कर सकते हैं। अगर आप वैसे नाश्ता बनाएंगे तो आप और भी एक्स्ट्रा कुछ सब्जियाँ डाल सकते हैं इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा पेस्ट अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम तवा लेंगे। ये मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है, आप सादा तवा यूज में लेंगे यूज करेंगे तो उसमें थोड़ा आपका घी या ऑयल थोड़ा ज्यादा लग सकता है, इसमें हमारा ऑयल बिल्कुल कम लगेगा। मैंने गैस ऑन कर दी, इसको हल्का गर्म करेंगे। और ये मैंने देख सकते हैं इतना ही घी लिया है, ज़्यादा भी घी नहीं लिया है, बिल्कुल कम घी में बनेंगे ये जो ये नाश्ता बनेगा। तो वह हमारा गर्म हो चुका है, थोड़ा घी डालते हैं और ब्रश की सहायता से इसको चारों तरफ अच्छे से फैलाएंगे। मैंने हल्का घी चारों तरफ इस पर लगा दिया है। अब ये जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको हम डालते हैं। ये मैंने 2 पीस डाली है, अब इसको हम ढक के रखेंगे 3 से 4 मिनट के लिए जो ताकि अच्छे से सिक सके। ये मैंने इसमें 3 पीस डाली है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्यारा कलर भी लग रहा है इनका। अब इसको हम उस साइड से पलटेंगे तो देख सकते हैं इनका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है और कितनी अच्छे से इनकी सिकाई हो चुकी है, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे, तो आप कभी भी इनको बना सकते हैं। अब इसको हम निकालते हैं तो देख सकते हैं बिल्कुल पूड़े की तरह फूल भी चुके हैं। इनको हम थोड़ा सा इसको दबाना है, देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल रहे हैं। जो हमारा बाकी का पेस्ट बचा है वो भी डालते हैं। मैंने एक बार ही इसमें ऑयल लगाया था, घी दोबारा मैंने नहीं लगाया है, अब फिर से डालेंगे।
सकते हैं, हमारा नाश्ता तैयार है। आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं। इसमें आप सिंघाड़े का आटा भी डाल के बना सकते हैं। तो हमारी सिंपल तरीके से ये नाश्ता बनाने की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ कर लीजिए, सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।